Now, classification of anti-epileptic drugs. See, barbiturate benzodiazepine, they are common in the your anesthetic, general anesthetic, your sedative hypnotics, and your anti-epileptic drugs also. ऐसा नहीं कि सर एंटी एपिलेप्टिक में आपने बारबिट्यूरेट का सार पढ़ा ही नहीं. बारबिट्यूरेट का सार एक बार पढ़ा है मतलब सब में सेम है, मतलब बारबिट्यूरेट का सार एक ही है, बेंजोडाइजेपिन का सार एक ही बार आता है. ऐसा नहीं कि सेपरेट चैप्टर में सेपरेट सेपरेट पढ़ा है, वो एक ही है. और किस्सा अब देखो सभी बुक्स में भी वैसे दिया है, बार बार नहीं दिया. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. सो कितने क्लासेस है? सो फर्स्ट क्लास योर बारबिट्यूरेट्स, ठीक है. सो एग्जाम्पल इज फेनोबारबिटोन or phenobarbital, methyl phenobarbital. Then a second class will be your hydantoins. Hydantoins means your example phenytoin sodium, then phenytoin sodium, then etitoin, mepentoin, then phosphantoin. Okay, yeah, phosphantoin ka example nahi hai lekin hai. Oxazolidone dions. Okay, so example is trimethadione, paramethadione. Then succinamides are there. Succinamides, what are those? Phensuccinamide, then methosuccinamide, ethosuccinamide. Phensuccinamide, ethosuccinamide, and methosuccinamide. The next one is urea and monoacylurea. For example, phenacetamide and carbamazepine. Phenacetamide, carbamazepine. The next one is a miscellaneous drug, or you can call them barbiturates. Benzodiazepines, clonazepam, diazepam, then sodium valproate is valproic acid derivative. कि इसमें दो क्लास बनते हैं, एक तो diazepam का जो benzodiazepine का है वो clonazepam, diazepam, benzodiazepine, और sodium valproate जो है वो that is a valproic acid derivative. Again new generation anti-epileptics like lamotrigine, then gabapentin, then vigabatrin, then your levetiracetam and all that, okay. So this is a classification, you have to remember it. Now next is a classes of anti-epileptic drugs. Okay, so hydantoin, first one is hydantoin. So what is hydantoin? Hydantoin is nothing but the imidazole. Okay, see here the structure jahan mouse hai, imidazole 1,3 nitrogen, dekho imidazole 1,3 nitrogen or 5-membrane, so imidazole. Okay, so it is a imidazole 2,4-dione. Imidazole 2,4-dione. Imidazole ring है 1,4, 1,3 nitrogen imidazole. 2 position पे कितने है? 4 position पे कितने? उसको बोलेंगे imidazole 2,4-dione. कितने को बोलते हैं on? Okay? So 2,4-dione. Imidazole 2,4-dione. So this is the basic structure of your hydantoin. Okay? यहाँ पे देखो number 1, 2, 3, 4, 5. अगेन यहाँ पे 5 पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके बेसिस पे वो उसको क्लासिफाई करते हैं फिनिटोइन, इथिटोइन, मिथिटोइन, फॉस्फेंटोइन. तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर आपका हाइड्रेंटोइन का. नाउ नेक्स्ट वन इज इसका एग्जांपल्स क्या है? फिनिटोइन, इथिटोइन, मिथिटोइन, फॉस्फेंटोइन, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्चुअली दिस हाइड्रेंटोइन इज नथिंग बट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड यूरिया. हाइड्रोक्सी एसिड कौन सा भी ले लो आप और यूरिया ले लो, उसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रेंटोइन का न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज अ बारबिट्यूरेट्स. बारबिट्यूरेट्स इज नथिंग बट द पिरिडीन 2,4,6 ट्रायोन. देखो पिरिडीन, पिरिडीन रिंग क्या है? पिरिमिडीन रिंग, 1,3 नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग, पिरिमिडीन 2,4,6 ट्रायोन. अब देखो हाइड्रेंटोइन में भी डायोन है, 1,3 नाइट्रोजन है, इसमें भी 1,3 नाइट्रोजन है, तो इट इज जस्ट अ कॉमन स्केलेटन फॉर द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है. तो 1,3 पिरिमिडिन 2,4,6 ट्रायोन. यहाँ पे भी देखो 5 क्वेश्चन पे मेन सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन जो आपने देखा है सारा बारबिट्यूरेट्स है. बारबिट्यूरेट्स दैट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मेलोनिक एसिड एंड यूरिया. मैंने आपको स्टोरी बोला था व्हेन वी वर स्टडिंग सर्जियो हिप्नोटिक फ्रॉम फार्माकोलॉजी, कि एक एप्पल होता है बच्चे के हाथ में और वहां पे एक डॉग भी होता है, डॉग वो एप्पल पे सुसु करता है और बाद में वो बच्चा एप्पल खाता है सो जाता है, ठीक है. सो मेलोनिक एसिड प्रेजेंट इन द एप्पल इज कन्वर्टेड इनटू बारबिट्यूरिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद द यूरिया, यूरिया फ्रॉम द यूरिन ऑफ द डॉग. सो इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मेलोनिक एसिड एंड यूरिया. देन बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स वी आर सीइंग द न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस ही आपको. सो बेंजोडाइजेपिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय लियो स्टर्नबर्ग,
Leo Sternberg in 1956 at Roche Laboratories. Okay, so it was discovered by Leo Sternberg in 1956 at Roche Laboratory. Chlorodiazid peroxide was the first member of this family. Okay. So this is the nucleus of bilirubin. We have seen the structure-activity relationship also. We have seen SAR of this barbiturates, bilirubin. In this, we will see SAR of this hydantoins, then succinamides and oxazolidinones. Okay. Then next class is valproic acid. So it is the structure of valproic acid. Valproic acid is nothing but the N-dipropylactic acid. Okay, so you can see here. Okay, so ये जो double दिख रहा है आपको, या एक imagine करो, ये इतना ये structure imagine करो, ये और ये, it is a dipropylactic acid. So it is a propylactic acid, lactic acid. और यहाँ पे again same है, ठीक है? So ये एक एक बार ये structure same है, और दूसरा ये structure same. So it is a N-dipropylactic acid. It is a valproic acid. ठीक है? यहाँ पे माउस के ऊपर पोजीशन भी ध्यान दो, माउस जहाँ पे है वहाँ ये वेल्प्रिक एसिड, ये बेंजोलाइज़ ये है बारबिट्रिक एसिड, ये है हाइडेंटोइन. नाउ सक्सिनामाइड्स अब यहाँ पे भी देखो, ये इट इज अ पायरोल न्यूक्लियस. इट इज अ पायरोल न्यूक्लियस. यू कैन सी वन नाइट्रोजन विद फाइव मेंबर रिंग, पायरोल न्यूक्लियस. अगेन 2,4 डायन, दीज आर द सक्सिनामाइड न्यूक्लियस. ऑक्सेजोलिडिन डायन्स, you can see it is a oxazole nucleus, 5 membered ring, nitrogen and oxygen, oxazole, azo for nitrogen, oxa for oxygen, oxazole. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, oxazolidine, 2,4-dione. यहाँ पे double bond नहीं है, इसलिए zolidine आया है, oxazolidine आया है, oxazolidine 2,4-dione. So anti-epileptic drug में आप देखो जो भी न्यूक्लियस है उसके ऊपर 2,4-dione है, दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो कंपाउंड्स दिस ऑक्सेजोलिडिन डायन, दीज कंपाउंड्स आर आइसोस्टेरिकली रिलेटेड विद द हाइडेंटोइन्स. जो हाइडेंटोइन देखा था अपन ने, उसके आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट है. सो आइसोस्टेरिकली दे आर रिलेटेड विद हाइडेंटोइन्स एंड द डिफरेंस इज ओनली वन, दैट इज ऑक्सीजन इज देयर इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन. क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, स्क्रीन चला गया क्या? सो देर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक हाइडेंटोइन, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडिएज़ेपिन्स, ऑक्सेजोलिडिन डायन्स, सक्सिनामाइड्स. सो सार ऑफ हाइडेंटोइन्स, नाउ वी विल सी सार ऑफ हाइडेंटोइन्स. सो इमिडाजोल 2,4-dione, इमिडाजोल 2,4-dione, इमिडाजोल 2,4-dione. ठीक है, उसको बोलते हैं हाइडेंटोइन. सो इमिडाजोल 2,4-dione डाइकटोन. So now thiophenyl or other aromatic substitution is essential for activity. अभी देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5. यहाँ पे phenyl ring और other aromatic ring which is essential for anti-epileptic activity. Okay, so thiophenyl or other aromatic substitution at 5 position is essential for activity. Now second, thioalkyl substitution may contribute to the sedative property which is absent in phenytoin. Okay, so phenytoin का जो structure है यहाँ पे देखो, phenytoin is a diphenhydantoin. So diphen means diphenylene. So at 5 position of hydantoin nucleus, if there is a 2-phenylene, nothing but the diphenhydantoin. It is the structure of phenytoin. Okay, यहाँ पे देखो diphenhydantoin. So it is phenytoin. यहाँ पे कोई alkyl substitution नहीं है. Okay, so alkyl, bioalkyl may contribute to the sedative property which is absent in phenytoin. So phenytoin itself is an anti-epileptic, but it is not a sedative, remember. Now if you replace this phenyl ring, one phenyl ring by ethyl group, if you replace one phenyl group by ethyl group, that will result in a ethetoin. That will result in a ethetoin. Okay, so this ethetoin has a sedative property, but this phenytoin don't have. Okay, so amongst the spiroidentoin, thioidentoin, 1,3 substituted hydantoin are also effective in chemically induced seizures, but not in the electroshock induced conversion. So you can
आपको देखो यू कैन इंड्यूस द कन्वर्जन, आप देखो जो माइस होते हैं रैट्स होते हैं, माइस रैट्स जो होते हैं उसको पकड़ो, माइस को रैट को सारा बाइटेंट इन वी हैव सीन दिस इफ द पिनाइल रिंग एट वाइब्रेशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी एंड इफ वी इंट्रोड्यूस अल्काइल अल्काइल चेन एट वाइब्रेशन that will increase the sedative property. Okay, so phenytoin, this is diphenhydramine, which is not a sedative in action, but this ethetoin is a sedative action. Okay, so diphenhydramine, that is a phenytoin, diphenhydramine. Okay, 5-5 diphenyl imidazolidine 2,4-dione, ye uska hypacne mein, ya fir aap usko aise bhi bol sakte ho, 5-5 diphenyl hydramine, 5-5 5-5-diphenylhydrantoin या फिर 5-5-diphenyl imidazolidine 2,4-dione ऐसा भी बोल सकते हैं. ओके, सो ये स्ट्रक्चर है इथेटोइन का, 5-ethyl-3-methyl hydrantoin, दैट इज इथेटोइन. बीच में आवाज आ रहा है मुझे. Now phenytoin, if you see the phenytoin, it is converted into para-hydroxyphenyl derivative. Okay, after metabolism, अगर ये phenytoin आप लेंगे आपके body में जाएगा, ये metabolism होगा, तो यहाँ पे क्या होगा उसका para position पे hydroxyl group add होगा, कहाँ पे ये phenyl ring में, so that it will be water soluble. ठीक है, so phenytoin is converted into para-hydroxyphenyl derivative after metabolism. Now there is one more molecule known as a phosphenytoin. So phosphenytoin, phosphenytoin or phosphenytoin, it is a phosphoenoxy ester of phenytoin. So ये phenytoin जो है इसका ester बनाएंगे phosphoric acid के साथ, तो उसको बोलेंगे phosphenytoin. And nowadays phosphenytoin is most widely used. This phenytoin ester of phenytoin, phosphenytoin is used. कि उसका जो kinetics है वो better है. Now next one is oxazolidine dienes, oxazolidine dienes. What is the structure activity of oxazolidine dienes? So ये देखो, oxazole nucleus, 1, 2, 3, 4. Oxazole and 2, 3, 2, 4 position पे दो कीटन ग्रुप है, दो कीटन ग्रुप at 2, 4 position. So oxazolidine dien. So structure at C5 lower alkyl substitution, active against petitmal epilepsy, while aryl substitution active against both petitmal as well as grand mal. ये जो 5 position है इसका, इसके इसके ऊपर अगर low molecular chain alkyl substitution alkyl group add करेंगे, that will be effective against petitmal, मतलब absent scissor. And उसके ऊपर अगर aryl, मतलब यहाँ पे aryl मतलब aromatic ring को substitute करेंगे, तो that will be active against both generalized scissor as well as absent scissor, the grand mal as well as, then N alkyl substituted does not affect the activity, because यहाँ पे अगर कोई substitution करे nitrogen के ऊपर तो उसके उसका activity कोई affect नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वो metabolism में de-alkylation हो जाएगा उसका. Oxazolidine 2,4-dione, so first drug is dimethyldione, दो methyl group है देखो यहाँ पे, दो methyl group at position of, there are two methyl group at 5 position. So it is a dimethyldione. Okay, so there is a ethyl group at nitrogen one. There is a ethyl group at nitrogen one. That is known as ethadione. In addition to this ethadione, dimethyldione, ke addition mein kya hai? Ethyl group hai. Kahan pe? Nitrogen one pe. Nitrogen sorry, three position. So usko bolenge ethadione. So three ethyl five five dimethoxy oxazolidine 2,4. That is a ethadione. Now next one is a trimethadione. Next one is a trimethadione. You can see the structure of trimethadione. Mouse ke upar dhyan do. Trimethadione. Trimethyl means 3-methyl. 1, 2, 3. Trimethyl oxazolidine dione. Trimethadione. Next one is a paramethadione. Okay? Paramethadione. So paramethadione mein instead of 1-methyl, it has an ethyl group. So it is a paramethadione. So it was about the oxazolidine dienes. Now next one is a succinamides. Succinamides. Okay. Succinamides means pyrazole
pyrazole nucleus with two ketone group. So pyrazole 2-5-diol. Aryl substitution at C4. मतलब यहाँ पे कोई रिंग डालेंगे बेंजीन रिंग वगैरह फिनाइल रिंग दैट विल बी अगेंस्ट एक्टिव अगेंस्ट इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड सीजर्स. एन मिथाइलेशन अगेन वहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ डालेंगे तो वो ग्रुप डालेंगे तो एन मिथाइलेशन डिक्रीजेस द एक्टिविटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोशॉक इंड्यूस्ड सीजर्स. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. अल्फा मिथाइल अल्कोइल फिनाइल द लेंथ ऑफ अल्कोइल ग्रुप डिटरमाइन द एक्टिविटी. यहाँ पे जितना बड़ा अल्कोइल ग्रुप होगा उसका एक्टिविटी वो डिटरमाइन करेगा. अभी देखो यहाँ पे ड्रग्स है फेनसक्सनामाइड. ये फेनसक्सनामाइड मतलब क्या है, आप हाई पोजिशन पे फिनाइल देंगे ठीक है. मिथोसक्सनामाइड मीन्स क्या, इन एडिशन टू दैट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में. इथोसक्सनामाइड मीन्स क्या, यहाँ पे फिनाइल की जगह मिथाइल एंड इथाइल. दैट्स इट, इतना ईजी है. अभी नेक्स्ट वन इज यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया. यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया उसके एग्जांपल्स है आपका. सो यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया. यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया सो फर्स्ट वन इज द फेन एसिटामाइड. यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच मतलब इट इज अ यूरिया. ओके इट इज यूरिया फेन एसिटामाइड. फेन मीन्स फिनाइल, एसिटा मीन एसिटिल ग्रुप. फेन एसिटा this is uriamide. Okay, so simple substance phenacetamide 1:2 phenylacetyl urea. It is an open chain analog of hydantoin but it has a serious adverse effect so it is not used. Next one is a carbamazepine. Actually it is an antidepressant drug, tricyclic antidepressant drug which is known to increase the available adenosine which is a natural anticonvulsant, and this carbamazepine is metabolized to active metabolite 10-11 epoxide. Then next one is a primidone. So primidone it is a again pyrimidine derivative, diiodopyrimidine derivative, and this primidone is converted into phenobarbital after metabolism. So it is active, it is a prodrug of phenobarbital. 5-ethyl-5-phenyl diiodopyrimidine. The next one is a sodium valproate. So it is a structure of valproic acid. Sodium salt of this valproic acid is sodium valproate, and it is a broad spectrum anti-epileptic drug. It will inhibit the GABA, then it will increase the GABA concentration. It will inhibit the reuptake of GABA. Then it has a lot of 3-4 mechanism of action. Okay, we have seen in the pharmacology. The next one is a gabapentin. It will increase the GABA activity by binding to the GABA receptor. It is a structure of carbamate. Next one is a falbamate. Okay. Next one is a falbamate. It is a sodium channel blocker and it also increases the GABA activity and it will block the excitatory NMDA receptor. So it is a falbamate, structure of falbamate. It is also a urea derivative. The next one is a lamotrigine. So lamotrigine, trigine as the name indicates, triazole derivative. Okay. So it is a it will have 3 nitrogen atoms in the pyrimidine. It will have, so it is a new anti-epileptic drug, lamotrigine. Blockage of sodium channel, voltage gated calcium channel, and pre-synaptic release of glutamate. So it is also three action. So GPAT 20 mein iska mechanism pucha tha lamotrigine. So medicinal chemistry point of view also we have finished this. We have also completed from pharmacology point of view in the previous lecture. And today we have finished regarding the medicinal chemistry. In the next lecture, we will see antipsychotic drugs.